एक्चुअली हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बातचीत करना चाहेंगे। अनिल, आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, कितना हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। बिल्कुल, देखिए आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है, वहीं सत्ता पक्ष की क्या रणनीति रहेगी, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद है। सर, आज से जो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, कांग्रेस का कहना है कि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, सत्ता पक्ष की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जनता का समर्थन जो है सरकार के साथ है, हमने जो जनहित की नीतियाँ अपनाई हैं, जनता हमें आशीर्वाद देती है, पक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और उन्होंने जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, हमने इसको सहर्ष स्वीकार किया। और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो ये कहना है कि इस बहाने चलो, हमारे उपलब्धियां हैं, हम बताएंगे, जनता तक हमारी बात जाएगी। आमतौर पर पक्ष क्या करता है कि हमारी बात सुनने से पहले ही सदन से वॉकआउट कर देता है। इस बार ये है कि उसको सुनना पड़ेगा, जनता की बात हमारी बात जाएगी। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले चार साल से विपक्ष ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया, कोई जनता के मुद्दे उठाए नहीं, और इसी तरह से वो जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया, दो साल पहले भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था, वो गिर गया था। इस बार क्या लगते हैं, विपक्ष का ये कहना है कि जो विधायक सरकार से नाराज है, आप लोगों से नाराज है, वो विधायक उनके साथ आएंगे? पहले भी आया था, सबको पता है कि कांग्रेस के जो 30 विधायक हैं, एक दो विधायक हमारा समर्थन नहीं कर रहे, बाकी तो मोटे तौर पर जो है 57-58 का तब भी समर्थन मिला था, अभी भी समर्थन मिलेगा, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। लेकिन वो भ्रमित करना चाहते हैं जनता को, और अच्छी बात है कि इस बहाने उनको अपनी औकात का पता लग जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि चाहे कानून व्यवस्था हो, किसानों के मुद्दे हो, रोजगार के मुद्दे हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, मुद्दे ही मुद्दे कांग्रेस के पास है। इन मुद्दों की वजह से ही कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस समाप्ति की ओर रही है। सारे देश में देखते हैं, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज होकर के जनता के जो है दबाव में आकर के जनता जो चाहती है छोड़ छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी का परिणाम ये है कि हरियाणा के अंदर भी मैं समझता हूँ कि तीसरी बार जो है मोदी जी की सरकार बनेगी, 10 की 10 लोकसभा आएगी, हरियाणा की विधानसभा में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जनता के हित में जो हमने काम किए हैं, इससे हमें जनता का आशीर्वाद फिर से मिलेगा। सर, मुख्यमंत्री, आखिरी सवाल आपसे, मुख्यमंत्री साहब 23 तारीख को बजट पेश करेंगे, बतौर कृषि पशुपालन मंत्री आप सीएम साहब के बजट से क्या उम्मीदें करते हैं, प्रदेश के किसान क्या उम्मीद करें? 2014 से लेकर 2000 पिछले साल का बजट था, आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर आमतौर पर कृषि का, पशुपालन का, नहरों का, बिजली का 4-5 गुना बजट बढ़ाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने भी पैसा खर्च करना शुरू किया है, ऐसा नहीं कि हम ब्याज में सैलरी में पैसा दे दें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा दे रहे हैं, ढांचागत विकास की योजनाओं पर पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे मेट्रो के काम हो, हाईवे का काम हो, नहरों के काम हो, और उसी का परिणाम ये आएगा कि आने वाले वक्त में हरियाणा के जनमानस को इसका फायदा मिलेगा। सर, इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, फिर विधानसभा चुनाव होने हैं, आखिरी बजट है, क्या चुनावों का असर इस बजट पर देखेंगे कि चुनाव को देखते हुए बजट आएगा? नहीं, बजट तो हम 5 और तो निश्चित तौर पर जनता का जो मूड देख कर कहते हैं कि 5 बजट और विधानसभा में भी पेश करेंगे, क्योंकि जनता ने फैसला कर रखा है कि आने वाली सरकार हरियाणा के अंदर फिर भाजपा की सरकार आएगी, देश के अंदर मोदी जी की सरकार आएगी, और ये जनता का आशीर्वाद है। लोकतंत्र के अंदर जनता ही मालिक होती है, जितने भी वो बजट पेश करने का हमें आदेश देगी उतने हम करेंगे। और ये सही है कि इस वक्त जो माहौल है देश के अंदर, सारा मोदी में है। बिल्कुल, दलाल साहब का कहना है कि देश में माहौल मोदी में है, और कहना कि दलाल साहब ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक और हैट्रिक हरियाणा में बीजेपी लगाएगी। जी, चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी साझा की, तमाम बातचीत आपने कृषि मंत्री जेपी दलाल से की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि देखिए, अब हरियाणा विधानसभा बजट सत्र जो है वो आज से शुरू होने वाला है, काफी खास ही रहने वाला है, जहां एक और विपक्ष जो है सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वही सत्ता पक्ष भी सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि देखिए, बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर बातचीत होगी, यहाँ पर जो हंगामेदार यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की खबरें अभी तक ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं लोग, लगातार बीजेपी पर विश्वास बनाए हुए है, पिछले बजट में किसानों को ध्यान में रखा गया।